बरेली जनपद में दबंगों ने पाट दिया तालाब, शिकायत के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई, नहीं हुई सुनवाई तो पीड़ित ने आत्मदाह करने की दी चेतावनी। बरेली जिले के फरीदपुर में माफियाओं ने अब तालाब पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं। मोहल्ला परा में माफिया तालाब में मिट्टी डालकर पाट रहे हैं। मोहल्ला परा के सभासद सीताराम ने अवैध कब्जे का विरोध किया तो माफिया दबंगई दिखाने लगे। मोहल्ला वासियों का कहना है कि कुछ लोग अपनी निजी भूमि बताकर तालाब को कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सभासद सीताराम व राजा राम ने बताया कि बीसलपुर रोड पर तालाब है जिसकी घाटा संख्या 530 का आधा रकबा श्रेणी संख्या 3 के आसामी पट्टेदार के रूप में दर्ज है, जिसमें सीताराम का दाखिल व कब्जा चला आ रहा है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने स्थानीय लेखपाल व पुलिस से सांठ गांठ करके इस तालाब को पाट कर उसकी प्रकृति को खुर्द बुर्द कर दिया है। सभासद सीताराम का कहना है कि कई बार थाना दिवस, तहसील दिवस व आला अफसरों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं सभासद सीताराम ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पहले की तरह बार बार टाला जाता रहा तो मजबूरन आत्महत्या के अलावा अन्य कोई मार्ग दिखाई नहीं देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर सीताराम। कहाँ रहते हैं? मोहल्ला परा फरीदपुर। अच्छा अच्छा, क्या मामला है इसका? सर पूर्व सभासद। अच्छा अच्छा, क्या मामला है इसका? मामला ये है सर, ये घाटा संख्या 530 तालाब जिसमें हमारे लिए मतलब मछली पालने का और सिंघाड़े करने के लिए ये पट्टा हुआ था बहुत पहले हमारे पिता के नाम, तो इसमें मतलब अपने उससे देखते आए सैकड़ों साल से, मतलब हमारा ये है, हम लोग आसामी पट्टेदार हैं इसके, और इसमें मतलब चारों तरफ भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है, और हमने कितनी बार आला अधिकारियों से शिकायत की, मतलब किसी ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी की, डीएम के लिए भी की, एसडीएम साहब के लिए भी की, कप्तान साहब के लिए भी की, और मंडलायुक्त, मतलब जितने आला अधिकारी हैं सब पे लिए, मतलब मैं 5 साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तालाब वो तालाब था, इसका पानी पिया जाता था समझे, और यहाँ पे मतलब अब वो स्थिति है, इतनी गंदगी, जल भराव, मतलब पूरी समस्या इसमें मतलब बुरी तरीके से मतलब पैदा हो गई है, क्योंकि इन भू माफियाओं ने चारों तरफ से इस पर कब्जा कर लिया है। लेखपाल कानून को द्वारा इसमें पैमाइश के लिए कहा गया, पैमाइश नहीं की गई, पुलिस प्रशासन और लेखपाल की मतलब साठ गांठ से ये तालाब चारों तरफ से पाट दिया गया है, और ऐसी स्थिति रही, मेरी सुनवाई नहीं हुई, 5 साल हो गए मेरी सुनवाई नहीं हुई, तो इसी तालाब में डूब के आत्महत्या करूंगा, तो इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। रामनाथ। कहाँ रहते हैं? जी रहते हैं फरीदपुर बड़ा मोड़। अच्छा, इस तालाब का क्या मामला है? इसका मामला यही है कि हम तो ये देख रहे हैं, हमारे बाप दादे थे इसमें, अपने घर पर चले आए और गए थे, लेकिन अब लोगों ने